क्रेजिएस्ट फैम इन द वर्ल्ड। तो आज मैं मेरी सबसे नूबड़े वाली सीरीज खेलने वाला हूँ। मतलब यार मैं इसमें कुछ भी कर लूँ, कैसे भी कर लूँ, मैं बार बार मर जाता हूँ। लास्ट में दो बार मरा था पिछली वीडियो में, बट अब मैं नहीं मरना चाहता। और ये सीरीज है वन ब्लॉक सीरीज। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वन ब्लॉक सीरीज में इतना बार मर सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो अब मेरे पास प्रॉब्लम, अरे नहीं मैं नीचे गिर गया भाई। यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि अब मेरे पास रास्ता तो है नहीं आने जाने का, क्योंकि मेरा रास्ता सारा का सारा TNT ने इग्नाइट होके फट गया था। TNT तो मेरा सारा का सारा मतलब रास्ता बंद हो चुका है वहां से। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है, यहाँ देख सकते हो इतना। अरे लेकिन ये शल्कर बॉक्स ने मेरा दिमाग खराब करके रख रखा भाई। मैं सोचता हूँ थोड़ा आगे यहाँ पे चल जाता हूँ। ओके, अगर अब मैं यहाँ से नीचे गिरूंगा ना तो मैं इस पे प्लेटफॉर्म पे आ सकता हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। ओके, तो मेरी सही लैंडिंग हो चुकी है। उस बॉक्स के पास जाना पड़ेगा, यानी कि मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो वन ब्लॉक रखा है। और उसके लिए मेरे को थोड़े बहुत तो मतलब ब्लॉक्स चाहिए होंगे ताकि मैं वहाँ तक जा सकूँ। अभी मैं वहाँ तक जा नहीं सकता, मेरे को पाकरोट इतनी अच्छी तरीके से आता नहीं है, तो मैं यहाँ से थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ आगे आता हूँ और यहाँ से थोड़े बहुत प्लैंक्स ब्लॉक तोड़ लेता हूँ और थोड़े बहुत डर्ट्स ब्लॉक तोड़ लेता हूँ। ओके, मेरे को एक डर्ट ब्लॉक मिल चुका है यहाँ पे। यहाँ से एक प्लैंक्स भी मिल जाए ना मेरे को, मतलब तीन या चार, मेरे को ज़्यादा नहीं। अरे आगे चलो, मेरे को लगा भाई नीचे गिर गया। यहाँ का तोड़ना सही नहीं रहेगा क्योंकि अगर मैंने यहाँ का तोड़ा, अगर मैं पीछे गिर गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ मैं। और ये भाई यार ये वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को, नाइस। ओके गाइस, मेरे पास दो तीन तीन ब्लॉक है। ओके, एक डर्ट ब्लॉक है और दो प्लैंक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे आराम से जा सकूँ। ओके, मेरे को यहाँ पे एक प्लैंक मिला है और एक डर्ट ब्लॉक मिला है। अरे वहाँ पे अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ, मतलब मैंने फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, लेकिन वहाँ पे वापस TNT इग्नाइट हो गया। यार ये TNT बड़ी दिक्कत कर रहा है मेरे को, अगर ऐसी TNT की प्रॉब्लम आती रही तो मैं शायद ही कर पाऊंगा। और नीचे शल्कर बॉक्स है भाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसको मैं मार भी नहीं सकता अभी। चलो छोड़ देते हैं इसको शल्कर बॉक्स को वहीं पर, क्योंकि अगर हमने गलती से भी इसको मारा ना तो ये शायद हमारे को वापस हवा में फेंक देगा, जो कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ओके गाइस, तो मेरे पास दोबारा से काफ़ी अच्छे सारे ब्लॉक्स हो चुके थे, मतलब तीन ही हुए थे यार अच्छे खासे भी क्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आगे अपनी वापस माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ और इस वन ब्लॉक को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यार मेरे को अगर यहाँ पर कोई बढ़िया सी चीज़ मिल गई ना तो सबसे पहले तो मैं अपने टूल्स बनाऊंगा, और टूल्स बनाने के बाद मैं आगे थोड़ा बढ़ाने की सोच सकता हूँ। तो मैं फटाफट यहाँ से ये वाला भी तोड़ लेता हूँ। और यहाँ पे भाई ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऑल राइट भाई, वो नीचे गिर गया। एक सेकंड, ये विलेजर कहाँ से आ गया? चल भाई आजा, विलेजर आ गया। ये बहुत शानदार चीज़ है, अगर विलेजर एक बार मेरे को मिल गया ना तो भाई मैं सर ट्रेड लेके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जल्दी जल्दी अनलॉक कर सकता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, आ नहीं रहा ये। अरे यार ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। अब मेरे को बेवजह भाई तेरे को मारना पड़ेगा। सॉरी विलेजर यार, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ यार, तू आगे आ ही नहीं रहा था तो मेरे को तेरे को मारना पड़ा। और यहाँ से वापस मैं अपनी माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। राइट गाइस, वीडियो ये देखते, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था मैंने, क्योंकि मैं बस एक आधा घंटा था इसको अपलोड करने के लिए, तो मैंने एक आधे घंटे में फटाफट स्क्रीन रिकॉर्ड करी, एडिट करा और अपलोड कर दिया।